और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के। तो यूपी में बीजेपी की 80 में से 80 सीटें जीतने वाली रणनीति का ब्लूप्रिंट सामने आ गया है। इसे पहली नजर में देखकर कोई भी चौंक सकता है। बीजेपी इस चुनाव में यूपी में 1,00,000 नुक्कड़ सभाएं करने की तैयारी में है और इसके जरिए वो हर गांव, हर शहर और हर चौराहे पर इंडिया गठबंधन को घेरेगी। पार्टी का मकसद अखिलेश यादव के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने का है जिससे विरोधी गठबंधन का सफाया हो जाए। दो हजार 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सिर्फ दो लक्ष्य हैं। पहला दिल्ली की सत्ता पर जीत की हैट्रिक लगाई जाए और दूसरा एनडीए के खाते में 400 से ज्यादा सीटें पहुंचाई जाए। और ये लक्ष्य तभी सफल होगा जब यूपी के 80 में से अधिकतर सीटों पर कमल खिलेगा। पीएम मोदी ने मेरठ में रैली करके यूपी में चुनावी शंखनाद कर दिया तो आज अमित शाह मुजफ्फरनगर में हुंकार भरेंगे। इसके अलावा भी बीजेपी की बड़ी तैयारी चल रही है। इस तैयारी को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा इसके तहत 1,00,000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाओं का प्लान है। ये नुक्कड़ सभाएं विधायक, क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और मेयर पार्षद समेत नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्य करेंगे। नुक्कड़ सभाओं के लिए 22,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सभी को ट्रेनिंग दी गई है। जनता के बीच जाकर क्या मैसेज पहुँचाना है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, भटका हुआ है। उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। प्रचार की बात दूर रही, उनके पास कैंडिडेट भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 में 80 सीटें जीतने जा रही है। न सिर्फ जमीन पर बल्कि वोटर के मोबाइल तक बीजेपी अपनी पहुंच बनाने की तैयारी कर रही है। अब बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी प्लान के दूसरे हिस्से को समझिए। सिर्फ यूपी के लिए बीजेपी ने 8,00,000 व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव किए हैं। इसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए व्हाट्सएप से करार करके सिस्टम डेवलप किया गया है। एक क्षेत्र में कितने ग्रुप हैं, कितने एडमिन हैं, इन सब की क्षेत्रवार मॉनिटरिंग की जाएगी। इस व्हाट्सएप ग्रुप में पीएम मोदी के रैलियों के भाषण, सरकारी योजनाओं के फायदे डाले जाएंगे। इसकी मॉनिटरिंग के लिए हर 3 लोकसभा सीट पर एक कॉल सेंटर बनाया गया है। मेरठ सहित उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतेंगे और देश में 400 पार करेंगे, इसको लेकर कोई संशय नहीं है। संशय है तो विपक्षियों के मन में है, इंडी गठबंधन के मन में है। यानी जमीन पर 1,00,000 नुक्कड़ सभाएं और सोशल मीडिया पर 8,00,000 व्हाट्सएप ग्रुप, ये बताता है कि यूपी के 80 सीटों के लिए बीजेपी की तैयारी कितनी बड़ी है। और बीजेपी की टक्कर उस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन से है जिसने चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद अब तक कोई भी बड़ी चुनावी रैली नहीं की। यूपी में महागठबंधन की अगुवाई करने वाले अखिलेश यादव अभी तक ये नहीं तय कर पाए हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। सूत्र बताते हैं कि कन्नौज से अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस आजमगढ़ से उन्होंने पिछला चुनाव जीता था वहां से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया जा चुका है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि वो बीजेपी के विजय रथ को कैसे रोकें। विधानसभा चुनाव में उन्होंने कई जगहों पर जीत दर्ज की और कई सीटों पर कांटे की टक्कर रही, लेकिन सवाल यह है कि क्या वैसी स्थिति लोकसभा चुनाव में रहेगी। हालांकि अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। जिन्हें टिकट दी गई टिकट वापस कर दी, मणिपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, वो दक्षिण भारत में कहाँ प्रत्याशी इनके पास, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है प्रत्याशी इनके पास, लद्दाख में और इस इलाके में पूरा इनके खिलाफ खड़े लोग हैं। अखिलेश यादव भले ही समाजवादी पार्टी की भारी जीत का दावा कर रहे हैं लेकिन बीजेपी ने उनको घेरने का प्लान बना रखा है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में अखिलेश यादव जहां जहां प्रचार करने जाएंगे वहां बीजेपी का एक बड़ा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। साथ ही बीजेपी अखिलेश को मैनपुरी में घेर कर रखने का प्लान बना रही है। मैनपुरी में लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं का दौरा होगा। मैनपुरी में तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोटिंग होनी है। मैनपुरी से उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा से जुड़ी है। अब ऐसे में अखिलेश क्या काट निकालते हैं ये देखना होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।